गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्लास 12th चैप्टर 8th एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। We will discuss about question number 16. Prove that x minus sin x is increasing for all x belongs to R. x minus sin x है जो function वो क्या होगा? Increasing function होगा। तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ? f(x) मान लेता हूँ। x minus sin x differentiating with respect to x we get f(x) का derivative क्या हो गया? f dash x। x का होगा 1, sin x का क्या होगा भाई? cos x। वन माइनस कोस एक्स। नाउ एज वी नो दैट कोस एक्स की वैल्यू किस किस के बीच में लाई करती है? माइनस वन और वन के बीच में। कोस एक्स की वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में लाई करती है। तो जब भी माइनस वन और वन यहां पर पुट करोगे तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो f dash x की वैल्यू हमेशा कुछ भी पुट करो आपको मन करे वो, चाहे माइनस वन पुट करो, चाहे माइनस वन बाई टू करो, चाहे वन करो, चाहे जीरो करो, कि cos x की वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में लाई करती है। तो जब यह माइनस वन से वन आएगा तो f dash x की वैल्यू क्या आएगी? जीरो है, जीरो से बड़ी। सो f x इज इंक्रीजिंग फंक्शन, f x इज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। क्यों भाई ऐसा क्यों? क्योंकि डेफिनेशन है f डैश एक्स का डेरिवेटिव, f डैश एक्स अगर जीरो है, जीरो से बड़ा हो तो फंक्शन क्या होता है? इंक्रीजिंग। अगर यहाँ पर लेस ग्रेटर देन इक्वल टू होता सिर्फ तो क्या होता? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। पर यहाँ पे अगर कोस एक्स की वैल्यू वन भी तो हो सकती है, वन में वन गए तो जीरो। हाँ ये श्योर है, जीरो है जीरो से बड़ी होगी, जीरो है जीरो से बड़ी होगी। तो क्या होगा? ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और कर लेते हैं इसके एक दो पार्ट, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर करते हैं हम इसका फोर्थ क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल्स टू टेन एक्स माइनस एक्स, एफ एक्स इक्वल्स टू टेन एक्स माइनस एक्स। तो ये भी वही बताना है, फोर्थ क्वेश्चन है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इज एस आई ऑन जीरो से पाई बाय टू। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये फंक्शन क्या बताना है भाई? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है जीरो से पाई बाय टू। तो फिर वही करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे? f dash x, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है भाई? secant square x, x का क्या होता है? 1 हो गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि secant की वैल्यू पता नहीं क्या हो, माइनस भी हो सकती है, प्लस भी, इसलिए है ना। तो हम इसको कर लेते हैं, इसको लिख देता हूं 1 upon cos square x minus 1 ये क्या हो जाएगा? 1 minus cos square x upon 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। तो ये क्या हो जाएगी मेरे पास? ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब सीकेंट जीरो और पाई बाय टू में, नहीं जीरो लेना नहीं पाई बाय टू, ये ओपन इंटरवल है। तो ये हमेशा क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर, स्क्वायर है ये स्क्वायर, तो क्या हो गया? जीरो से बड़ा होगा। सीकेंट तो हो सकता था, क्या था? जीरो से कम होते, पर स्क्वायर है होते हुए ये क्या होगा कि जीरो होगा नहीं। जीरो किसको होता है? जीरो, ये पाई बाय टू, जो पाई बाय टू है। एंड साइन स्क्वायर भी क्या होगा? जीरो से बड़ा होगा, क्योंकि स्क्वायर है ये। वैसे तो ये जीरो, ये वन बाय टू, वन बाय टू ऐसे ही हो सकता है, पर होगा क्या? जीरो से बड़ा। तो ये भी जीरो से बड़ा, ये भी जीरो से बड़ा। तो ओवरऑल एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरी? जीरो से बड़ी आ गई। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन किस पे भाई? जीरो से पाई बाई टू ओपन इंटरवल, जीरो से पाई बाई टू ओपन इंटरवल फंक्शन इज स्ट्रिक्टली। हो गया भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का कर लेते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू टेन एक्स माइनस फोर एक्स,
एफ एक्स इक्वल्स टू टेन एक्स माइनस फोर एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन माइनस पाई बाई थ्री से पाई बाई थ्री, माइनस पाई बाई थ्री से पाई बाई थ्री स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्या करना है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताना माइनस पाई बाई थ्री से। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम डेरिवेटिव एफ डैस एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा भाई सी वन स्क्वायर एक्स, और ये सब क्या होगा माइनस फोर, क्या होगा माइनस ए फोर। अब क्या देंगे हम एलसीएम, वन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स माइनस फोर, इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा वन माइनस फोर कोस स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स। इसके टुकड़े कर सकते हैं, ये हो जाएगा वन माइनस टू कोस एक्स, वन प्लस टू कोस एक्स और ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा भैया सीकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो फिर वही बात है माइनस पाई बाई थ्री से कितना है ये पाई बाई थ्री, तो ये कौन कौन सा प्रोडक्ट हो गया फर्स्ट एंड फोर्थ हो गया, तो इसमें एक चीज़ क्या होगी पॉजिटिव, तो ये जो सीकेंट स्क्वायर है सीकेंट स्क्वायर एक्स ये तो क्या गया भाई जीरो से बड़ा, क्या गया जीरो से, ये चीज़ भी क्या गया वन प्लस टू कोस एक्स, ये भी क्या हो गया भाई जीरो से बड़ा मेरे पास ये हो गया भाई। अब दिक्कत किसकी आई, तो ये तो कोस तो होता पॉजिटिव, अब दिक्कत आई इसकी, ये चीज़ होती पॉजिटिव, ये होगी जीरो से बड़ी, जीरो से बड़ी होगी तो ये चीज़ वन माइनस टू कोस एक्स क्या हो जाएगा जीरो से छोटा हो जाएगा, क्योंकि जीरो तो आएगा नहीं, जीरो तो आगे बन ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव ये हो गया नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, ओवरऑल क्या है मेरे पास है नेगेटिव। सो एफ डैश एक्स क्या गया लेस देन जीरो, सो फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, फंक्शन कैसा होगा मेरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया ऑन किस पे भाई माइनस पाई बाई थ्री से पाई बाई थ्री पे, क्या होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्यों हो गया ये, इसलिए होगा क्योंकि इसका जो एफ डैश एक्स है वो जीरो से क्या रहा है भाई छोटा मेरे पास ये आ रहा है। हो गया भाई, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं 17th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17th, सेपरेट 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 इनटू सब इंटरवल्स वेयर एफ एक्स इक्वल्स टू साइन 3x, साइन 3x इज इंक्रीजिंग इफ एस आई और एस बी, इंटरवल बनाओ आप खुद जहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग हो और फंक्शन डिक्रीजिंग हो स्ट्रिक्टली। तो फिर वही बात है, सबसे पहले क्या करेंगे एफ डैश एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया कोस थ्री एक्स इंटू क्या हो गया, हो गया भाई। अब नौ नौ एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दे रखी है भाई जीरो से और कहाँ तक दे रखी है भाई पाई बाई टू, जीरो से और पाई बाई टू के बीच में दे रखी है, तो हम किसकी बात करेंगे, हम करेंगे थ्री एक्स की, तो तीन से मल्टीप्लाई करते हो जाएगा जीरो से और क्या हो जाएगा थ्री पाई बाई टू, मतलब थ्री एक्स जो एंगल है तीन गुना हो जाएगा, तो जीरो से कहाँ की बात करेंगे हम 270, तीन थ्री पाई बाई टू क्या होता है 270। अब देखो वैन 3x is less than equal to 0 से और पाई, जब x 0 से और पाई हो गए, when 3x 0 से पाई बाई टू भी हो गया, पाई बाई टू करेंगे सबसे पहले, क्या करेंगे हम पाई बाई टू, क्यों करेंगे पाई बाई टू, क्योंकि इसका जो ये है डेरिवेटिव है कोस में, कोस पहले पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव, तो 0 से जब पाई बाई टू होगा देन एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो से पाई बाई टू यहाँ पुट करेंगे पॉजिटिव, क्या आएगी पॉजिटिव, सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग व्हेन, ये तो आई थ्री एक्स की, तो एक्स की यहाँ से क्या आ गया एक्स की वैल्यू निकालो, एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ से जीरो से लेके और ये आ गई पाई बाई सिक्स, जीरो से लेके तीन से क्या करेंगे इसको डिवाइड ऑन जीरो से और पाई बाई सिक्स के लिए, जीरो से और पाई बाई सिक्स के लिए, देखो क्लोज ले रखा था पर क्लोज क्या क्या लेंगे हम ओपन, क्योंकि जीरो पे तो हम यहाँ पे पाई बाई टू पे पाई बाई टू पे हम बता ही नहीं सकते, पाई बाई टू पे क्या हो रहा है जीरो हो रहा है। हो गया भाई,
जीरो से पाई बाई सिक्स भी क्या है, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. व्हेन 3x किसके बीच में लाई करता होगा, पाई बाई टू से, पाई बाई टू से और 3 पाई बाई टू के बीच में, क्योंकि सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट है. सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट कोस क्या होता है, नेगेटिव. तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, लेस देन जीरो. सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ओन. ये तो एफ एक्स, ये तो 3x की वैल्यू, x की क्या आएगी यहाँ से, 3 से डिवाइड कर दो. क्या करें, 3 से डिवाइड तो हो जाएगा 5 बाई सिक्स और ये हो जाएगा पाई बाई टू. ओन पाई बाई सिक्स से पाई बाई टू, इस पे होगा एस डी और ऊपर वाला क्या होगा, ये मेरा एस आई, क्या होगा एस आई. तो हमने जीरो से पाई बाई टू, जीरो से नब्बे के बीच में, जीरो से साठ पे तो क्या होगा, तीस पे तो क्या होगा पॉजिटिव और तीस से नब्बे क्या होगा ये नेगेटिव, क्योंकि थ्री एक्स एंगल है. तो सबसे पहले एक्स तो था जीरो से पाई बाई टू, थ्री एक्स कितना होगा, जीरो से थ्री पाई बाई टू के बारे में डिस्कस करें. हो गया भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 18. डिटरमाइन द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और एक्स कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से लेके और कहाँ तक है भाई, टू पाई तक, जीरो से लेके और टू पाई तक है. तो ये बताना कि किन किन पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, किन किन पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, एफ डैश एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, कोस एक्स, कोस एक्स होता है माइनस ए, प्लस का हो जाएगा. अब यहाँ से हम कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे, हम यहाँ से कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे, तो क्या होगा, अब हम करते हैं इसको थोड़ा सा सोल्व. ठीक है, तो सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से वन बाय रूट टू से मल्टीप्लाई कर दिया कोस एक्स, और रूट टू से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, और रूट टू क्या कर दिया इसको डिवाइड, तो रूट टू तो होगा कोस 45 कोस पाई बाई फोर कोस एक्स, साइन पाई बाई फोर, ये साइन है, साइन पाई बाई फोर साइन एक्स. ठीक है भाई, कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी, और बल्कि हम किसका फॉर्मूला बनाते हैं, साइन का बनाते हैं. तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, साइन, साइन का सही रहता है, साइन में नेगेटिव का चक्कर नहीं रहता. और यहाँ क्या लिख देंगे, क्योंकि कोस बी, कोस की वही वैल्यू होती है और साइन की भी वही वैल्यू होती है. तो ये क्या होगा अपने पास, ये होगा अपने पास साइन ए साइन 45 साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो क्या होगा रूट टू साइन ए प्लस बी, तो हो जाएगा एक्स प्लस पाई बाई फोर, साइन एक्स प्लस ए पाई बाई फोर. अब मतलब ये एक एंगल बन गया. अब देखो एक्स कहाँ से कहाँ तक है अपना, जीरो से टू पाई के बीच में, एक्स कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से और टू पाई के बीच में है. तो x प्लस पाई बाई फोर क्या हो जाएगा, x प्लस पाई बाई फोर, पाई बाई फोर ऐड कर दो, जगह पाई बाई फोर प्लस टू पाई प्लस पाई बाई फोर, नहीं समझे भाई, क्योंकि एंगल क्या x प्लस पाई बाई फोर है, ये उसमें 3x था, तो x तो है मेरा जीरो से टू पाई, और x प्लस पाई बाई फोर क्या हो जाएगा, पाई बाई फोर से, और ये हो जाएगा अपने पास 9 पाई बाई फोर, क्या हो जाएगा 9 पाई बाई फोर. तो अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. अब बाहर क्या है, साइन, साइन का पता है मेरे को, जीरो से लेके, साइन है ना जीरो से लेके और पाई तक, तो क्या रहता है साइन पॉजिटिव रहता है. कौन सा क्वाड्रेंट आता है वो, सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड. व्हेन एक्स प्लस पाई बाई फोर कहाँ से कहाँ तक है, पाई बाई फोर, क्योंकि जीरो तो है ही नहीं, पाई बाई फोर से लेके कहाँ तक है, पाई तक, पाई बाई फोर से लेके कहाँ तक हो भाई, पाई तक हो. तो एक्स मेरा जीरो ये हो, तो ये हटा देंगे हम, ठीक है, इक्वल नहीं करेंगे, क्योंकि हम ओपन इंटरवल निकाल देंगे, क्योंकि उसमें क्या पता जीरो भी हो जाए बीच में. है तो इक्वल, पर हमें इक्वल नहीं लगाएंगे. ठीक है भाई, तो ये हो गया. तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि हमें वैल्यू तो किसकी चाहिए, हमें अल्टीमेटली मैं आंसर किसमें चाहिए, एक्स में चाहिए, क्योंकि एक्स कहाँ से कहाँ तक, तो पाई बाई फोर बढ़ा दो, ये हो जाएगा जीरो से लेके और कहाँ तक, थ्री पाई बाई फोर तक.
एफ डैश एक्स क्या होगा, जीरो से बड़ा, क्यों बड़ा होगा भाई, जीरो से बड़ा ये है रूट टू। जब एक्स प्लस फाइव हमारे अंदर का एंगल 45 से और 180 के बीच में है तो साइन क्या होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव क्या होगा पॉजिटिव। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इक्वल नहीं लगाया तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन कहां से कहां तक, जीरो से और 3π/4, क्योंकि तो ये जो एंगल है ये तो है x प्लस पाई बाई फोर का, पर हमें लास्ट में आंसर किसमें लिखना है x में, क्योंकि तो x में है तो 0 से और 3π/4 के बीच में तो मेरा x है वो क्या हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा भाई। नेक्स्ट जो बात करते हैं नंबर वन, नंबर टू बात करते हैं हम, तो नंबर टू मैं लिख देता हूँ कहाँ से कहाँ तक देखना है मेरे को, पाई बाई फोर से और कहाँ तक देखना भाई, 9π/4 तक देखना ठीक है भाई। केस टू, अब देखो पाई तक पहुंच गए, अभी 9π/4 है ये, मतलब ये फिर पहले क्वाड्रेंट में आ गया ये ठीक है 9π/4। अब व्हेन एक्स प्लस पाई बाई फोर की वैल्यू पाई से लेके और कितने तक हो, 2π तक, पाई से लेके 2π, क्योंकि पाई से आगे थर्ड क्वाड्रेंट और आगे फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस, ये क्या है इसका डेरिवेटिव साइन, साइन क्या होगा नेगेटिव, दिस इंप्लाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3π/4 से लेके, और ये हो जाएगी भाई 7π/4, 3π/4 से लेके 7π/4, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स की। एफ डैश एक्स मेरा जो फंक्शन का डेरिवेटिव हो क्या होगा, लेस देन जीरो, क्यों होगा, ये जरूर ये है पॉजिटिव, और ये जो वैल्यू आएगी सेकंड एंड थर्ड क्वार्टर में क्या होती है, ये साइन की नेगेटिव। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन, ये थे क्या 3π/4 से लेके 7π/4 हो गया भाई। अब है केस थ्री, केस थ्री व्हेन एक्स प्लस पाई बाई फोर की वैल्यू 2π से और 9π/4 जो लास्ट कहां तक है, वैसे पता है तो 0 से 2π है, पर हमें एंगल ये देखना है कि ये कहां से कहां तक है, पाई बाई फोर से 9π/4, एक्स ये पाई बाई फोर घटा दो तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 7π/4 से लेके एक्स कहां तक आ गया 2π तक, करके देख लो भाई ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया 2π। अब इस इंटरवल में ये है कौन सा इंटरवल, 2π से मतलब ये है 2π से, जो अगर 0 से आया 2π से ये है, मतलब यहाँ पे ये है कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 ये है 0। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ऑन इस पे 7π/4 से और 2π के बीच में, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के तो दो इंटरवल्स आ गए, कौन कौन से, 0 से 3π/4 और कौन सा भाई 7π/4 से 2π, इस पे तो इंटरवल्स क्या आ गया एस आई आ गया ठीक है, और एस डी किस किस पे आ गया, एस डी, एस डी आ गया 3π/4 से 7π/4, ये जो बिल्कुल जी हो गया भाई। ये अपना पूरा क्वेश्चन था, पहले इसको अच्छे से रूप में डालो कि आप एक एंगल में बदलो इसको, तो कोई ना कोई जुगाड़ करके आपको ये ऐसा करना हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th का सेकंड पार्ट, 18th का सेकंड पार्ट, तो 18th का सेकंड पार्ट क्या है, fx equals to sin x minus root 3 cos x, तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई इसलिए करवा रहा हूँ ये, रूट थ्री कोस एक्स, और एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके और कहाँ तक है भाई 2π, इसको भी हम पहले क्या करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, सबसे पहले जो भी काम हो डिफरेंशिएशन करना है, साइन एक्स क्या हो गया भाई कोस एक्स, ये होगा प्लस का रूट थ्री, माइनस का प्लस होगा रूट थ्री साइन एक्स ठीक है भाई। अब क्या करेंगे हम इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 से डिवाइड, 1/2 कोस एक्स प्लस रूट थ्री बाय साइन एक्स हो गया भाई, तो क्या हो जाएगा 2, ये कितना होता है साइन 60 साइन 30 पाई बाई 6 कोस एक्स प्लस, ये क्या होता है
साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन का फॉर्मूला बन गया टू साइन एक्स प्लस पाई बाई सिक्स एफ डैश एक्स। और फिर वही बात है, एक्स तो मेरा कहाँ से आता था, जीरो से टू पाई पर, मेरा एंगल क्या बताना है, एक्स प्लस पाई बाई फोर, तो पाई बाई सिक्स ऐड कर दो, ये हो जाएगा एक्स प्लस पाई बाई सिक्स और टू पाई प्लस पाई बाई सिक्स, तो ये हो जाएगा थर्टीन पाई और बाय सिक्स। मतलब हम कहाँ से कहाँ तक से बात करेंगे, पाई बाय सिक्स से देंगे कहाँ तक बात करेंगे, तेरह पाई, क्योंकि एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, जीरो से टू पाई, एक्स प्लस पाई बाय सिक्स चाहिए हमें तो। ठीक है, अब लेते हैं फर्स्ट केस, व्हेन ये एंगल एक्स प्लस पाई बाई सिक्स कहाँ से कहाँ तक लेंगे, इक्वल नहीं लेंगे मैम, ठीक है इक्वल नहीं लेंगे, इक्वल पे दिक्कत हो जाती है, पाई बाई सिक्स से लेके यहाँ पे क्या साइन, तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड में, मतलब कहाँ तक है पाई तक, एक्स कहाँ से कहाँ तक है, एक्स प्लस पाई बाई सिक्स, पाई बाई सिक्स से लेके पाई तक, तो मेरा एफ जो डैश एक्स है ये बाहर पॉजिटिव है, ये क्या होगा पॉजिटिव होगा, क्या होगा पॉजिटिव, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ओन, इस पर नहीं बताना हमने, हमने किसकी वैल्यू बतानी है एक्स की, यहाँ से एक्स घटा देंगे, ये पाई बाई सिक्स घटा देंगे, हो जाएगा जीरो से लेके और ये हो जाएगा फाइव पाई बाई सिक्स, क्या हो जाएगा फाइव पाई बाई सिक्स, भाई पाई में से पाई बाई सिक्स घटाएंगे, ठीक है तो जीरो से लेके और फाइव पाई बाई सिक्स पे मेरा फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्या हो गया भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मेरा फंक्शन हो गया, हो गया। नेक्स्ट ये है केस फर्स्ट, केस सेकेंड है, बहन एक्स प्लस पाई बाई सिक्स, एक्स प्लस पाई बाई सिक्स कहाँ से लेके, पाई से लेके और टू पाई तक, क्योंकि बाहर क्या है साइन, तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में भी और साइन ना थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है नेगेटिव, अभी तक एंगल बचा हुआ है तेरह पाई बाई सिक्स है तो छः दूनी पा रही है, तो एफ डैश एक्स मेरा क्या हो गया नेगेटिव, यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आती है पाई बाई सिक्स घटा दो, आ जाएगी फाइव पाई बाई सिक्स से और ये आ जाएगी नाइन पाई बाई सिक्स, फाइव पाई बाई सिक्स से और मेरे पास क्या आ जाएगी ये नाइन पाई बाई सिक्स, नाइन नहीं इलेवन आ जाएंगे, इलेवन पाई बाई सिक्स, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन कहाँ से, फाइव पाई बाई सिक्स से इलेवन पाई बाई सिक्स, फाइव पाई बाई सिक्स से इलेवन पाई बाई सिक्स, ये फंक्शन क्या है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है भाई, देखना यहाँ पे है पर एंगल किसका लेना है, एक्स का लेना, बाद में आप लिखो तब। तीसरी बात, व्हेन एक्स प्लस पाई बाई सिक्स की वैल्यू टू पाई से और क्या होगा थर्टीन पाई बाई सिक्स, अब थर्टीन पाई बाई सिक्स कौन से क्वाड्रेंट में है, ये तेरह पाई बटे छः है, इसको करो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो पाई के मतलब एक सौ अस्सी और छः, तो कितना आ गया तीस, आ गया तीन सौ नब्बे, तीन सौ साठ पे एक होता है तो कितना बच गया तीस, तीस कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पर हमें वैल्यू किसकी निकालनी है एक्स की, ये हो जाएगा इलेवन पाई बाई सिक्स, मतलब ये पाई बाई सिक्स हटा दो घटा दो इसमें से, ये हो जाएगा टू पाई, कितना हो जाएगा टू पाई, तो इस इंटरवल में मेरा एफ डैश एक्स फर्स्ट इंटरवल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट इसमें क्या होता है जीरो से बड़ा, सो फंक्शन इज एस आई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ओन किस पे भाई, ग्यारह पाई अपॉन सिक्स से और किस पे टू पाई पे, तो एक तो एस आई का ये हो गया, एक एस आई का ये हो गया और एस बी का ये हो गया, इंटरवल इधर अलग एस आई के ये हैं और एस बी के मेरे पास है, हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे हैं सारे, ठीक है भाई, एक और क्वेश्चन है इसमें थर्ड क्वेश्चन, 18th का थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है भाई, एफ एक्स इक्वल्स टू फोर साइन एक्स माइनस माइनस टू एक्स माइनस एक्स कोस एक्स अपॉन टू प्लस कोस एक्स, टू प्लस कोस एक्स, ये क्या है मेरा फंक्शन दे रखा है एफ एक्स दे रखा है, फोर कोस साइन एक्स माइनस टू एक्स माइनस, अब ये एक्स कहाँ से कहाँ तक है भाई,
जीरो से लेके टू पाई, एक्स कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से लेके टू पाई। अब पहले इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे हम, कैसे, फोर साइन एक्स है ठीक है, इसमें से एक्स कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो एक्स, तो यहाँ से क्या आ जाएगा टू प्लस कोस एक्स, टू प्लस ही कोस एक्स ठीक है। टू प्लस कोस एक्स यहाँ अलग लिखो, टू प्लस कोस एक्स यहाँ अलग लिखो, इसे क्या हो गया ये कैंसिल, तो एफ एक्स मेरा क्या हो गया भाई, फोर साइन एक्स अपॉन टू प्लस कोस एक्स, फोर साइन एक्स अपॉन टू प्लस कोस एक्स और माइनस एक्स, माइनस क्या होगा एक्स। अब क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, तो इसका करेंगे यू बाई बी से, नीचे वाले का होल स्क्वेयर, नीचे वाले का होल स्क्वेयर, नीचे वाला एज इट इज टू प्लस कोस एक्स एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव फोर, और साइन एक्स क्या हो जाएगा कोस एक्स माइनस फोर साइन एक्स एज इट इज, फोर साइन एक्स एज इट इज, टू का जीरो, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, कोस एक्स क्या हो गया माइनस साइन एक्स, हो गया भाई। अब इसको करते हैं क्या सोल्व, और एक्स क्या हो गया अलग माइनस वन, तो करना भाई एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, ये हो जाएगी टू, टू हो जाए एट कोस एक्स, एट कोस एक्स प्लस एट कोस एक्स प्लस फोर कोस स्क्वायर एक्स प्लस फोर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस क्या हो गया वन, माइनस क्या हो गया भैया, हो गया भाई। अब देखो यहाँ से फोर क्या ले लो कॉमन, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है वन, तो मेरे पास एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स देखना भाई, एफ डैश एक्स आ जाएगा मेरे पास एट कोस एक्स और प्लस क्या हो जाएगा फोर अपॉन टू प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन, माइनस से हो गया। अब क्या लेंगे हम इसमें एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा भाई टू प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एट कोस एक्स प्लस फोर माइनस टू प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एट कोस एक्स प्लस फोर, इसके स्क्वायर को खोल लो तो क्या हो जाएगा प्लस फोर, प्लस प्लस है पर ये बार सारे किसके आ जाएंगे माइनस के, कोस स्क्वायर एक्स और माइनस टू फोर कोस एक्स, माइनस क्या आ जाएगा भाई फोर कोस एक्स अपॉन टू प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, टू प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, हो गया भाई। आगे करते हैं हम इसको, हो गया इसको अलग कर दूंगा यहाँ से, आप देखो इसको एफ डैश एक्स क्या आ गया मेरा एफ डैश एक्स, चार से क्या कैंसिल हो गया चार, यहाँ से कुछ एट कोस एक्स में से फोर कोस एक्स गया तो क्या बच गया फोर कोस एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन टू प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, तो एफ डैश एक्स क्या आ गया मेरे पास कोस एक्स पे ले लिया मैंने कॉमन, क्या आ गया फोर माइनस कोस स्क्वायर एक्स और ये क्या हो गया टू प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, हो गया भाई। ये हो जाएगा टू माइनस कोस एक्स और टू प्लस कोस एक्स, क्यों क्योंकि ए स्क्वायर माइनस है बी स्क्वायर, होगा टू प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, टू प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, फोर माइनस कोस एक्स आएगा भाई फोर माइनस कोस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा फोर माइनस कोस एक्स ठीक है। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स देखेंगे, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स जीरो से बड़ा कब होगा, एफ डैश एक्स जीरो से बड़ा होगा इफ एफ एक्स इज एस आई, फंक्शन क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब, व्हेन एफ डैश एक्स क्या होगा जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा। अब देखो ये चीज तो जीरो से बड़ी है ही, क्योंकि कोस एक्स की कम से कम वैल्यू क्या आ सकती है माइनस में करोगे, माइनस दो तो आ नहीं सकती है, टू प्लस
कोस एक्स का होल स्क्वायर है तो हमेशा जीरो से बड़ा, जीरो भी नहीं होगा ये, हमेशा क्या होगा जीरो से बड़ा होगा। तो जीरो का बोल कोस एक्स क्यों क्या होगा माइनस दो, माइनस दो के निकल गए। ठीक है, क्या गया कोस एक्स और किस पर डिपेंड हो गया, फोर माइनस कोस एक्स, और कोस एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ माइनस एक और एक के बीच में होती है, कोस एक्स केवल क्या होते हैं भाई माइनस एक और एक के बीच में होती है, माइनस एक और एक के बीच में होती है। तो ये भी पॉजिटिव और कोस एक्स केवल क्या होती है माइनस एक और एक के बीच में होती है, देयर फोर फोर माइनस कोस एक्स, ये जो चीज है फोर माइनस कोस एक्स ये क्या होनी चाहिए, जीरो से बड़ी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए फोर माइनस कोस एक्स से जीरो से बड़ी होनी चाहिए। क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि देखो कोस एक्स केवल क्या होता है माइनस एक और एक के बीच में होती है, तो यहां पे आप पुट करोगे माइनस एक और एक कुछ भी तो ये वैल्यू हमेशा क्या है जीरो से बड़ी होती है, ये भी जीरो से बड़ी, ये भी जीरो से बड़ी, तो किस पर डिपेंड करके ये चीज, इस पे, तो कोस एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए जीरो से बड़ी होनी चाहिए, कोस एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए जीरो से बड़ी। अरे कोस एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी कौन कौन से क्वाड्रेंट में होती है, फर्स्ट में होती है और कौन सी में होती है भाई फोर्थ में होती है, फर्स्ट में और फोर्थ में, फर्स्ट में और फोर्थ में, तो सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन जीरो से पाई बाई टू एंड 3π/2 से 2π, क्यों भाई फिर देख लो ये आया यहाँ पे x cos की वैल्यू माइनस एक और एक के बीच में होगी, अब चार में से चाहे माइनस एक करो या मतलब एक तक करो तो ये हमेशा पॉजिटिव, ये स्क्वायर इसलिए पॉजिटिव, तो किस पे डिपेंड करके चीज, इस पे, ये चीज क्या होनी चाहिए जीरो से बड़ी होनी चाहिए, तो जीरो से बड़ी कब होगी cos, जीरो से पाई बाई टू में 3π/2 से 2π, तो इस इंटरवल में तो ये क्या आ गया मेरे पास ऐसा ही, और जो बाकी इंटरवल बच गया कौन सा सेकेंड और थर्ड पाई से लेके 3π/2 तक, वहां पे क्या आएगी चीज नेगेटिव, तो वहां पे डैश डी हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा ये ऐसा ही। तो ये आपका जो बचा हुआ था आपका जो 17th, 16th और 18th क्वेश्चन था वो हमने क्या किया भाई सॉल्व। फिर भी किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो चैनल को ताकि आप लेटेस्ट अपडेट्स में आपके पास पहुँच सके। थैंक यू।